आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है वो पब्लिक के बीच में गया और पब्लिक से आग्रह किया कि ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है इसको, बच, इसको आप लोग देख लीजिए इसको पढ़ लीजिए कुछ कामों का अंश इसमें दिया गया है यदि आपको लगता है कि और कुछ काम करना है तो आप अपना सुझाव हमारे बूथ अध्यक्ष को दे दीजिएगा बूथ अध्यक्ष के माध्यम से मंडल अध्यक्ष को मिल जाएगा मंडल से जिला मिल जाएगा फिर वो मेरे पास पहुंचा देगा फिर एक बार माननीय योगी सरकार से मैं बातचीत करके उस समस्या का समाधान करेंगे पर आप बूथ तक जाते हैं और जब आप जमीन तक जाते हैं और उस जमीन पर कहीं लखीमपुर खीरी जैसी घटना हो जाती है तब आपके लिए कितनी परेशानी होती है दुर्भाग्यपूर है और ये घटनाएं घटित नहीं होना चाहिए वास्तव में जो हुई है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर शक्ति दे लेकिन योगी सरकार ने एक तरह का त्वरित समस्या का समाधान हुआ नहीं तो जिस प्रकार विपक्ष भी, ने आक्रमण किया था राज्य के अंदर शांति के बजाय आग लग जाती यह कि उसको किसी तरह सरकार ने समय परिस्थितियों रहते संभाल लिया और जो दोषी है योगी सरकार में एक विश्वास आप रखी जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है उसको कोई बचा नहीं सकता है पर यूपी में कल रात से हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी को वहां जाते हुए देख रहे हैं अखिलेश यादव को सड़कों पर देख रहे हैं और ये मुद्दा विपक्ष मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी छोड़ने वाला है देखिए राजनीतिक दल स्वाभाविक है उनको जो लगता है वह करेंगे ही राज्य का माहौल भी खराब करना है राज्य का वातावरण भी खराब करना है लेकिन संपूर्ण राज्य और राज्य के सभी आम जनमानस योगी सरकार पर विश्वास करता है उनके ईमानदारी पर विश्वास करता है और उनके परिश्रम की पराकाष्ठा पर विश्वास करता है और यहाँ तक कि मुसहर बंटांगिया थारू भी जो छोटी छोटी जातियां हैं जो सत्तर सालों में राजस्व ग्राम भी नहीं आए उसको आदर योगी जी आने के बाद उनको राजस्व ग्राम का अधिकार दिया वोट देने का अधिकार दिया आज केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाएं उनके तक पहुंच रही है इसलिए किसी गांव में आप जाएंगे और किसी के घर जाएंगे तो योगी सरकार की बुराई नहीं कर सकता है योगी सरकार के पक्ष में आज भी है कल भी था और आज भी है स्वतंत्रदेव जी लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर योगी सरकार ने इतना अच्छा काम किया तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि साढ़े चार साल बाद आपको जातिगत आधार पर कैबिनेट का एक्सपेंशन करना पड़ा ऐसा नहीं है समाज के सभी वर्गों का देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अपनी एक सोच थी अन्य दलों से यह पार्टी भिन्न है और ये पार्टी अलग है इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सब सुख प्राप्त करने के बाद भी आजादी की के बात केंद्र से रिजाइन किया क्योंकि सरदार पटेल ने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया था एक कश्मीर समस्या थी दूसरा मंदिर का निर्माण यदि वो मंदिर का निर्माण नेहरू जी कर दिए होते सोमनाथ के तर्ज पर और 370 हट गया होता तो आ, अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को केंद्र से रिजाइन न देना होता और कश्मीर के लिए मार्च न करते सत्तर साल हुआ सत्तर सालों के बाद आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह के नेतृत्व में एक झटके में 370 धारा समाप्त किया आज एक भी पत्थर सेना के ऊपर नहीं फेंका जाता और एक पत्थर भी दूसरी बात और अब वहाँ बीजेपी के बैठकों में हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ बैठते हैं अब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हाथ में पत्थर नहीं लेते आतंकवादियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं अब वह केंद्र सरकार की संपूर्ण योजना वहां पहुंच रही है और उस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आज प्रधान बन रहे हैं पंचायत सदस्य बन सब राष्ट्र से जुड़ते हुए यानी राष्ट्र से काटने का जो काम होता है अब वो राष्ट्र से जुड़ रहे हैं प्रगति कर रहा है दूसरा वहीं मंदिर का निर्माण का भी आदरणीय मोदी जी ने निवरख दिए वह भी समस्या समाधान हुआ एक भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और राज्य के अंदर एक दंगा भी नहीं हुआ और एक चीटी भी नहीं मरी यह योगी का प्रताप है यह कानून व्यवस्था का राजा है मंदिर का निर्माण हो रहा है लेकिन आप पार्टी के मुखिया हैं यहाँ के एक चैलेंज तो आपके लिए है विपक्ष कह रहा है कि ब्राह्मण आपसे बहुत नाराज है देखिए राजनीतिक दल में आप काम करते हैं तो किसके लिए काम करते हैं और आपका लक्ष्य क्या है पंडित दीनदयाल दे उपाध्याय ने इस विचार को ठीक ढंग से लिखा एकात्म मानव ने दर्शन दिया दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि अंतोदय है यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले सम्मान मिले भरपूर भोजन मिले रहने को छत मिले और देश सुरक्षित रहे और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मेरी माँ जंजीरों से जकड़ी हुई है लेकिन मैं अपने माँ को उच्च स्थान देख रहा हूँ जो उच्च स्थान पर बैठकर पूरी दुनिया को दिशा देगा संपूर्ण सवा सौ करोड़ देशवासियों का एक ही लक्ष्य है जो स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी का फंदा चुनकर गले में डालकर लटक गए केवल किसके लिए भारत माता है जय के लिए और वंदे मातरम के लिए कोई सपना नहीं था कि विधायक बनना है मंत्री बनना है और विधायक मंत्री बनकर इस देश को लुटना है राज्य को लुटना है कोई सपना नहीं था एक ही सपना था उनका कि हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर भारत माता का जय हो और भारत माता की भारत का सम्मान हो आज मोदी जी चाइना के धरती पर उतरते हैं और लंदन के धरती पर उतरते हैं तो भारत माता का जय का नारा लगता है और बंदे मातृ नारा लगता है और जय श्री राम का नारा लगता है और देश के अंदर भी जब से वह बने और कश्मीर के धरती से उन्होंने कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे ना सोएंगे ना सोने देंगे राजीव गांधी जी ने कहा था एक रुपया चलता है तो पंद्रह पंद्रह पैसा पहुंचता है मोदी जी आते हैं जिस गरीब के पास बैंक का अकाउंट नहीं था बैंक का खाता नहीं था बैंक के दरवाजे तक पहुंचा और ये सभी सम्मान का विषय अच्छा चाहे गैस का चाहे आवास का चाहे शौचालय का हम लोग सड़कों पर जाते थे तो देखते थे महिलाएं बैठी रहती थी बैठक आज उनके पास अपना शौचालय है अपना आवास है एक महिला दलित मिली मेरे को उसने कहा कि माँ वोट किसको दोगी उसने कहा अपने बेटे को वोट दूंगा हम कि बेटा कौन है बोली मेरा छत टपकता था

और प्रियंका गांधी काम कर रहे हैं किससे ज्यादा चुनौती दिख, दिख रही आपको? कि उत्तर <प्रते> के अंदर -जनता है और कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है।, है ये वंशवाद की पार्टियां नहीं है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है मैं रोज बूथ की बैठक लेता हूँ ऐसा एक दिन नागा नहीं जानता जहां इक्कीस के लोगों की मैं नीचे बैठा आज मेरा बूथ समितियां है पन्ना प्रमुख के लिए अग्रसर हो गया हूं और पन्ना की समिति अब मुझे बनाना है अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम छह बजे सिर्फ टीवी नाइन भारतवर्ष पर